दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज के बीकॉम थर्ड ईयर की छात्रा अंकिता त्रिपाठी को चीन में आयोजित होने वाले यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में प्रतिभाग करने के लिए चयनित किया गया है। अंकिता की इस कामयाबी से स्कूल प्रशासन, परिवार और स्वयं अंकिता में खुशी की लहर है। इस अवसर पर दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज के प्राचार्य सहित अन्य शिक्षकों ने अंकिता त्रिपाठी को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर उसे प्रोत्साहित किया। आपको बताते चलें कि पिछले साल दिल्ली के आरडी परेड में भारत के विभिन्न विद्यालयों के 200 से ज्यादा बच्चों का चयन किया गया था, जिसमें से 7 बच्चे 3 जुलाई से 10 जुलाई तक चीन में आयोजित होने वाले यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में शामिल होंगे। चीन में ये 7 बच्चे पूर्वांचल की संस्कृति को सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए छात्रा अंकिता त्रिपाठी ने कहा कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में उनका चयन होने से वह काफी खुश है। वहां जाकर वह बेहतर प्रदर्शन करेंगी। वहीं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अंकिता त्रिपाठी ने न सिर्फ स्कूल का गौरव बढ़ाया है बल्कि प्रदेश का नाम भी रोशन करने का काम किया है। आगे मतलब बुला बुला के उनसे सिखाते रहते, कभी भी कुछ भी वो करने के लिए। जलपान की व्यवस्था करवाई सर, कुछ प्रमाण में उत्तर प्रदेश के इस पूर्वांचल का एक प्रतिनिधित्व करेंगे और वहाँ चाइना कल्चर के साथ मिल करके और अपने भारत का एक जो विविधताओं का देश है, इन विविधताओं में अपना पूर्वांचल क्या महत्व रखता है या पूर्वांचल की इस विविधता को इसकी समय से अंकिता त्रिपाठी कहाँ पढ़ती है? दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज, बीकॉम थर्ड ईयर कॉमर्स से। आज मैं पूरे ऑल इंडिया में यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इसका श्रेय मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रिंसिपल सर और कमलेश सर को देना चाहती हूँ। इस कॉलेज ने मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किया हर एक चीज़ में। ये एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, एक तरह से हम लोग का पूरा ऑल इंडिया में सिलेक्शन हुआ है, वहाँ पर बच्चों को भेजा जाता है। वहाँ पर यूथ एक्सचेंज मतलब यहाँ प्रोग्राम जो होता है उसको एक्सचेंज किया जाता है, वहाँ का कल्चर हम लोग जानते हैं और अपना जो इंडिया का कल्चर होता है उसको हम लोग वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। 3rd July to 10th July तक। यस, पूरे ऑल इंडिया से 200 लोग का सिलेक्शन किया गया और आरडी मतलब हाँ मतलब एनएसएस से 7 लोग का हुआ है। इसके पहले भी आप हैं आरडी परेड में? हाँ, 2017 में आरडी परेड मैंने किया है। ये बड़ी उपलब्धि है, बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। मन में विचार है? हाँ, इसके लिए तो मेरी पूरी फैमिली वाले और पूरी मतलब मेरे रिलेशन वाले सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और सर लोग जो भी सुन रहे हैं सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं इसके लिए बहुत परेशान थी कि मुझे मिल जाए 2 साल से, बट आज मुझे जब मिला तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं इसे अपने महाविद्यालय की उपलब्धि तो मानता हूँ, साथ ही साथ ही मानता हूँ कि हमारे पूर्वांचल में इस प्रकार की मेधा की कमी नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि इनको पहचाना जाए और ऐसे मेधा को आगे बढ़ाया जाए। महाविद्यालय का यह सौभाग्य रहा है कि महाविद्यालय में पठन पाठन के साथ जो शिक्षणेतर गतिविधियां हैं उनमें भी बच्चों को पूरा अवसर भी मिलता है और हमारे जो टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, ये सब अपने स्तर से जो इनको करना है वो सब ये करते हैं। और इसी का परिणाम है कि एक तरफ जहां क्रीड़ा में हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हमारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं और एनएसएस रोवर रेंजर्स जैसे जो पाठ्यतर कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं उसके माध्यम से भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि विगत 10-12 वर्षों से मैं स्वयं देख रहा हूं कि आरडी परेड के लिए हमारे यहां के बच्चे ज़रूर सेलेक्ट होते हैं, जहां अधिकतम 2 न्यूनतम 1। इस साल भी श्री अभिषेक प्रताप सिंह ये बच्चा गया था और इससे भी बड़ी उपलब्धि ये हो गई कि अंकिता त्रिपाठी जो स्वयंसेविका थी एनएसएस की, जो आरडी परेड के लिए गई थी पिछले वर्ष,
उसका चयन जो है वो विशिष्ट प्रोग्राम जो इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज का है, जो सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने में जो केंद्रीय मंत्रालय है जो इसमें इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, इसमें जो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है इसमें अंकिता का चयन हुआ है और वो पूरे चयनित टीम के साथ चाइना जाएगी। ये हमारे महाविद्यालय के लिए तो बहुत हर्ष का विषय है और सबसे अच्छी बात है कि हमारा महाविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय है और ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए भी गौरव की बात है, इस पूरे पूर्वांचल के लिए गौरव की बात है। और महाविद्यालय से मेरी जानकारी में यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में ये पहली बच्ची है जो सेलेक्ट हुई है, तो मैं उसको बधाई देता हूँ और ये इस समाज की एक धरोहर और ये और आगे जाएगी महाविद्यालय के साथ इस पूरे पूर्वांचल और इस प्रदेश देश का नाम रोशन करेगी, इसकी अपेक्षा करता हूँ।